स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, अगर आप सभी सैलरी डे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, सैलरी डे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर कितना अमाउंट तक आप सबको प्रोवाइड कराए जाते हैं, इस एप्लीकेशन से अगर आप सब लोन लेते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने दिनों के लिए लोन अमाउंट दिए जाएंगे, इंटरेस्ट क्या आएगा, प्रोसेसिंग चार्ज क्या आएगा, ये सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आप सबको बताने वाला हूं। तो अगर आप सब भी इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, सारा डिटेल अच्छे से मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप सब भी इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सबको सारा डिटेल अच्छे से बताते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे प्ले स्टोर के ऊपर, यहाँ सर्च करेंगे सैलरी डे इंस्टेंट लोन ऐप लिख करके सर्च करेंगे तो इसका लोगो जो है कुछ इस तरीके से दिए हुआ है। इसी एप्लीकेशन को यहाँ से, चलिए हम इंस्टॉल लिखा हुआ है इस वाले पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों इसकी डाउनलोडिंग की अगर बात करें तो अभी फिलहाल इस एप्लीकेशन को 50,000 से अधिक लोग अभी इसको डाउनलोड किए हैं। वहीं रेटिंग की अगर बात करें 3.3 का रेटिंग है, जो कि तकरीबन 1,000 लोग अभी इसके अंदर रिव्यू दिए हैं। रिव्यू पढ़ना चाहे तो नीचे आकर पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई से पहले मैं आप सबको थोड़ा अबाउट फीचर्स बताते हैं, उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस बताएंगे। अगर आप सब इस एप्लीकेशन के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुआ है। आप सबका एज जो है वो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 यानी कि 50 वर्ष होना चाहिए और आप सबका मंथली सैलरी जो है कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करी गई तो यहाँ पे दिए हुआ है कि एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे उससे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आप सबको चाहिए, लास्ट 2 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ पे चाहिए, सेल्फी पिक चाहिए। तो यहाँ पे आप सबको अमाउंट जो कि प्रोवाइड कराए जाएंगे इस एप्लीकेशन से। जैसे कि लिखे हुआ है ये आप सबको कम से कम 5,000 रुपये का राशि देता है और मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे कि 50,000 रुपये तक का राशि यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी कि 5,000 से 50,000 तक का राशि अभी फिलहाल यहाँ पे आप सबको जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुआ है। मान लीजिए कि अगर आप सबको यहाँ से 30,000 का राशि मिलता है 120 दिनों के लिए तो मंथली इंटरेस्ट आप सबको यहाँ पे 3% तो 900 रुपये हो जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस आप सबको यहाँ पे लगेंगे 750 रुपये। आप सबके बैंक अकाउंट्स में जो राशि क्रेडिट किया जाएगा 25,650 रुपये और आप सबको कुल रिपेमेंट करना होगा 30,000 रुपये। मंथली ईएमआई बनेगा आप सबका 7,500 रुपये का। 4 मंथ के लिए ये लोन आप सबको मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल में दिए हुआ है, अब बाकी का अब चलिए मैं आप सबको अप्लाई का प्रोसेस बताते हैं। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सबके सामने भी कुछ इसी तरीके से पेज आएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे अब आप सबको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे। फिर से आप सबको यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको कुछ डिटेल्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ डिटेल दिए हुआ है ये डिटेल मैं आप सबको क्लियर करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पे दिए हुआ है कि अगर आप सब मान लीजिए कि यहाँ से 62 दिनों के लिए लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, 62 दिनों के लिए अगर आप सब यहां से लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप सबका मिनिमम सैलरी जो है वो कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए और आप सबको यहां पे दो मंथ के लिए जो कि 62 दिनों के यहां पे लोन मिलेगा उसमें इंटरेस्ट क्या आएगा, नीचे में यहां पे दिए हुआ है। तो ये पर मंथ का इंटरेस्ट है, बाकी का यहाँ पे एनुअल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ दिए हुआ है। प्रोसेसिंग फीस क्या आएगा यहाँ पे दिए हुआ है। और उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप सबको यहाँ से 90 दिनों के लिए लोन चाहिए तो उसका कुछ अलग टर्म एंड कंडीशन है। 90 दिनों के लिए अगर आप सब यहां से लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम सैलरी आप सबका कम से कम यहां पे दिए हुआ है कि 25,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए, तब जाके यहां पे 3 मंथ के लिए आप सबको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट पर मंथ आप सबको क्या लगाएगा यहां डिटेल में दिए हुआ है, इंटरेस्ट पर एनुअल के हिसाब से क्या आएगा यहाँ दिए हुआ है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2.5% लगाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप सबको यहाँ पे 120 दिनों के लिए चाहिए तो 35,000 पर मंथ सैलरी होना चाहिए। 180 दिनों के लिए चाहिए तब यहाँ पे दिए हुआ है कि मिनिमम सैलरी कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए, तब जाके 6 मंथ के लिए आप सबको लोन मिलेगा। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आप सबको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइनिंग विथ गूगल का, इस वाले पे आप सब क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप सब अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आप सबके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी होगा आप सबके स्क्रीन पे शो होगा, यहाँ पे आप सबको उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ परमिशन को अलाउ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे सभी परमिशन को अलाउ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अलाउ वाले पे क्लिक कर लिए है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आप सबको क्या करना है, आप सबको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सब क्लिक करेंगे, आप सबके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिए हैं, सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक कर दिए हैं। अब चलिए मेरा ओटीपी यहाँ पे अभी आएगा, कुछ सेकंड हम यहाँ पे वेट करते हैं। सो गाइस तो उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पे अब आप सबको कुछ डिटेल्स फिल करना है। तो जैसे कि गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप सबको, अगर आप सब सैलराइड पर्सन हैं तो इस वाले में ही टिक है, रहने देंगे। और उसके बाद आप सबको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आप सबको यहाँ पे जो पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप सबको यहाँ पे फिल कर लेना है अपने हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ जो कि यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथली नेट इनकम क्या है, मतलब कि आप एक मंथ में कितना कमाते हैं, वो डिटेल आप सबको यहाँ पे फिल करना है। कम से कम यहाँ पे 15,000 रुपये होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। चलिए फटाफट ये डिटेल यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। सेकेंड स्टेप में अब गाइस यहाँ पे आप सबको क्या करना है, यहाँ पे तो यहाँ पे गाइस आप सब देखेंगे कि 1 of 5 में यहाँ पे आप सबको जो कि पूरा स्टेप को कंप्लीट करना है। तो अब गाइस यहाँ पे आप सबको क्या करना है, सबसे पहले आप सबको यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो जो है, इमेज जो है, वो आप सबको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद पैन कार्ड पे जो नाम है वही नाम आप सबको यहाँ फिल करना है। पैन नंबर यहाँ फिल करेंगे, जो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप सबको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप सबको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। तो इस वाले में पैन कार्ड डिटेल्स आप सबको फिल करना है, तो सही सही अपने हिसाब से आप सब यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए यहाँ पे इस स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आप सबको कुछ और डिटेल्स यहाँ पे जो कि फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे गाइस देखेंगे, यहाँ पे आप सबको कुछ डिटेल्स जो कि अपलोड करना होंगे। सबसे पहला फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, तो यहाँ पे आप सबको पे स्लिप यहाँ पे जो कि आप सबको अपलोड करना है, यानी कि सैलरी स्लिप जो है वो आप सबको यहाँ पे अपलोड करना है। फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ और थर्ड यहाँ, तीन मंथ का सैलरी स्लिप आप सबको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद कंपनी नेम यहाँ डालेंगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ फिल करेंगे, डेस्टिनेशन को यहाँ चूज करेंगे, ज्वाइन डेट कब है वो यहाँ आप सबको फिल करना है, कंपनी एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, नेट मंथली सैलरी इनकम क्या है वो पहले ही आप सब फिल किए रहेंगे, वो डिटेल आप सबका यहाँ पे शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सबको क्लिक करना है। सो गाइस तो इससे आगे का स्टेप अब मैं आप सबको कंप्लीट करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं सैलराइड पर्सन नहीं हूँ, मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है, इसलिए मैं इससे आगे का स्टेप अब आप सबको कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा। तो आप सब यहां पे सैलरी स्लिप को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आप सबको कुछ पर्सनल डिटेल जो कि फिल करने होंगे। उसके बाद आप सबको लोन अमाउंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप सब गाइस यहां पे अपने हिसाब से अमाउंट को देख लेंगे, इंटरेस्ट वगैरह चेक कर लेंगे, प्रोसेसिंग चार्ज क्या लगेगा वो चेक कर लेंगे, कितने दिनों के लिए लोन अमाउंट मिलता है सारा डिटेल आप सब एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद ही आप सब जो कि लोन के लिए कन्फर्म करेंगे, बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और आप सबके बैंक अकाउंट्स में राशि को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सब जो है अमाउंट जब भी मिले तो आप सब यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेंगे, इंटरेस्ट वगैरह और टेनर को चेक कर लेंगे, प्रोसेसिंग चार्ज देख लेंगे, उसके बाद ही आप सब जो कि कन्फर्म करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सैलराइड पर्सन नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अमाउंट अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं मिल पाया है, क्योंकि मैं सैलरी स्लिप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो आप सब अपने हिसाब से यहाँ पे अपलोड करके अमाउंट को चेक करके उसके बाद ही जो कि कन्फर्म करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप सब इस एप्लीकेशन से लोन जो कि ले सकते हैं। मान लीजिए कि गाइस अगर आप सब सैलराइड पर्सन नहीं है, आप सबके पास भी सैलरी स्लिप नहीं है, फिर भी आप सब चाहते हैं कि किसी न किसी एप्लीकेशन से आप सबको लोन अमाउंट मिल जाए, इस एप्लीकेशन से अगर नहीं मिल पाए तो गाइस जहाँ से मैं खुद लिया हूँ वहाँ से अगर आप सब लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सबको 4-5 वीडियो का लिंक दिया हूँ जहाँ से मैं खुद लोन लिया हूँ। तो अगर आप सब वहाँ से लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4-5 वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, जा करके वहाँ से आप सब जो कि ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।